नमस्कार दोस्तों, आपके साथ में हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है क्रिकेट टाइम गुरु चैनल के सेगमेंट प्री मैच एनालिसिस में। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर से आमने सामने होंगी आईपीएल सीजन 16 में। बता दें कि आईपीएल सीजन 16 के 34th मैच में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में बढ़िया मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 7 रन से सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी थी। और अब 34th मैच के बाद 40 मैच में यहां पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और ये मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली में दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला होगा शाम 7:30 बजे। अब दोस्तों, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 40 मैच में आखिर क्या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को मात देने में कामयाब होगी। वेल दोस्तों, बता दें कि बॉलिंग की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 34th मैच तो जीत लिया सनराइजर्स हैदराबाद से, लेकिन यहां पर उनकी बैटिंग बहुत ही कमजोर नजर आई थी। तो ऐसे में यहां पर अगर 40 मैच उनको जीतना है तो अच्छी बैटिंग करने की भरपूर कोशिश करनी होगी, अच्छे रन बनाने होंगे। तो आज के हमारे मैच प्रीव्यू में हम कवर करेंगे आईपीएल सीजन 16 के 40 मैच को, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स के बीच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में। तो यहां की पिच रिपोर्ट की अगर दोस्तों बात करें तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 79, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 35 मैचेस जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 44 मैचेस में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर यहां रहा है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का 166 का, हाईएस्ट स्कोर बनाया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 234 का। तो वहीं दोस्तों, लोएस्ट स्कोर भी रहा है दिल्ली कैपिटल्स के नाम, जिन्होंने बनाए थे 66। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्कोर बिलो 150 रहा है 21 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 रहा है 22 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 रहा है 21 टाइम्स, स्कोर अबव 190 रहा है 15 टाइम्स। अब आ जाते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पर। तो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में टोटल मैचेस खेले गए हैं दोस्तों 22, जिसमें से जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मुकाबले, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। यानी कि यहां पर बराबरी का मुकाबला नजर आने वाला है, यहां पर बराबरी की टक्कर देखने को हमें मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों, देखना होगा कि क्या डेविड वॉर्नर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में क्या कुछ चेंजेस करना चाहेंगे या फिर अपने 11 उन्हीं खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर से सनराइजर्स के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो आपको बताते हैं आप दिल्ली कैपिटल्स की आखिर क्या हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इसमें शामिल रहेंगे डेविड वॉर्नर, फिलिप सॉल्ट, मिचेल मार्श, मनीष पांडे, सरफराज खान, अक्षर पटेल, अमन हकीम खान, रिपल पटेल, एंड्रिक नॉर्किया, कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा। तो दोस्तों, ये 11 खिलाड़ी एक बार फिर से हमें नजर आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फिरते हुए। लेकिन की प्लेयर्स की अगर बात करें कि आखिर की प्लेयर्स की लिस्ट में यानी कि वो कौन से बॉलर्स होंगे, कौन से वो गेंदबाज होंगे जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छे विकेट अच्छे रन अपने नाम करेंगे दोस्तों, तो आपको बताते हैं की प्लेयर्स की लिस्ट में आखिर किन खिलाड़ियों को दी है हमने जगह। तो यहां पर डेविड वॉर्नर सबसे टॉप पर है, जिन्होंने 7 मैचेस खेलते हुए 314 रन स्कोर किए हैं। मनीष पांडे की अगर बात करें तो 5 मुकाबले खेलते हुए 131 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं। अक्षर पटेल जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और 7 मुकाबले खेलते हुए बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 182 रन स्कोर किए हैं। गेंदबाजी की अगर बात करें तो 7 मुकाबलों में उन्होंने 6 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं। इनके बाद कुलदीप यादव को हमने रखा है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और 7 ही विकेट उन्होंने अभी तक अपने नाम किए हैं। आखिरी नाम है एंड्रिक नॉर्किया का, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट अपने नाम किए थे। तो ये तो हो गई दिल्ली की टोली की बात यानी कि दिल्ली के की प्लेयर्स की बात। दोस्तों, अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि ये मुकाबला जीतना सनराइजर्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या यहां पर एडन मार्करम को चेंजेस करेंगे अपनी प्लेइंग 11 में, क्या होगी सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबेबल प्लेइंग 11, चलिए आपको बताते हैं। तो यहां पर शामिल रह सकते हैं अभिषेक शर्मा, हैरी ब्रूक, एडन मार्करम, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासेन, मार्को जेनसन, वॉशिंगटन सुंदर, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक। अब बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के की प्लेयर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे टॉप पर हमने नाम रखा है हैरी ब्रूक का। हालांकि हैरी ब्रूक ने जो अपनी सेंचुरी बनाई थी इस आईपीएल सीजन की सबसे तेज सेंचुरी थी, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला काफी शांत है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या यहाँ पर दिल्ली के खिलाफ वो एक बार फिर से सेंचुरी या हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वेल, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल बुनेंजा के 3 सवाल इस वीडियो में आपसे किए जाएंगे। आईपीएल के साथ जो हमारा आईपीएल बुनेंजा स्टार्ट हुआ है उसमें आपसे पूछे जाते हैं 3 सवाल, जिसके सही जवाब देने पर आप जीते हैं रियल कैश प्राइज दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। और टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपको क्रिकेट लाइन गुरु को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर क्रिकेट लाइन गुरु ऑफिशियल को फॉलो करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, सही जवाब देने के बाद जो भी लकी विनर होता है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है सीधे इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वेल, इसी के साथ पहला सवाल मैं आप
सभी से यहाँ पूछ लेती हूँ। और मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से वो कौन सा गेंदबाज होगा जो कि सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा सनराइजर्स हैदराबाद के। ये है मेरा पहला क्वेश्चन। अब आगे वीडियो में दो क्वेश्चन और आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा ये वीडियो एंड तक और तीनों ही सवालों के एक साथ सही जवाब आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में देने हैं मैच शुरू होने से पहले, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हैरी ब्रूक ने 7 मैचेस खेलते हुए 163 रन अभी तक बनाए हैं। अगला नाम है मयंक अग्रवाल का, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और 164 रन उन्होंने अभी तक स्कोर किए हैं। वेल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो 34th मैच हुआ था वहां पर मयंक अग्रवाल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और 49 रन स्कोर किए थे। हालांकि वो एक रन से चूक गए थे, अगर वो एक रन और बना लेते तो उनकी हाफ सेंचुरी यहां पर कंप्लीट हो जाती। इनके बाद है राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने 7 मुकाबले खेलते हुए 160 रन बनाए हैं। एडन मार्करम की बात करें जो कि टीम के कप्तान है, उन्होंने 6 मुकाबले खेलते हुए 124 रन अभी तक स्कोर किए हैं। तो ये वो बल्लेबाज हैं सनराइजर्स हैदराबाद के जो कि बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अच्छे रन स्कोर करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल आप सभी के सामने हाजिर है और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हैरी ब्रूक आखिर कितने रन बनाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। दूसरा सवाल भी मैं आपसे कर चुकी हूँ। पहला सवाल था कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से वो कौन सा गेंदबाज होगा जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेगा, और दूसरा सवाल है कि हैरी ब्रूक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कितने रन स्कोर करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और अब आपको बताते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मयंक मार्कंडे का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 5 मैचेस खेलते हुए 8 विकेट्स अपने नाम किए हैं। मार्को जेनसन ने भी 5 मुकाबले खेलते हुए 8 विकेट अभी तक चटकाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए वो दिखाई दिए थे और यहाँ पर दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट भी अपने नाम किए थे। आखिरी नाम है भुवनेश्वर कुमार का, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2 विकेट चटकाए थे। दोस्तों तो ये हो गए वो गेंदबाज जो कि दिल्ली के विकेट चटकाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब बात आ जाती है कंक्लूजन की कि आखिर ये जो 40 मैच है इसे कौन सी टीम जीतने वाली है या कौन सी टीम होगी जो कि जीत की दावेदार होगी। तो जैसा कि आप पिच रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के स्कोर ज्यादा नजर आते हैं, यानी कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो डेफिनेटली जो टीम यहाँ टॉस जीतेगी वो ये मुकाबला जीती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑन पेपर अगर टीम्स की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने पिछली मैच में जिस तरीके से वापसी करी थी, अच्छा मुकाबला खेलते हुए जिस तरीके से उन्होंने उस मैच को मात्र 7 रन से जीत लिया था, तो यहाँ पर भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम भरपूर कोशिश करेगी इस मुकाबले को जीतने की और जीत की दावेदार भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम हो सकती है। लेकिन अब तीसरा सवाल मेरा यही है आप सभी से कि आपके हिसाब से आखिर वो कौन सी टीम होगी जो कि आईपीएल सीजन 16 का ये 40वां मुकाबला अपने नाम करेगी। दोस्तों तीनों सवाल मैं आपसे कर चुकी हूँ, नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो जल्दी से नीचे जाएं और अपने तीनों जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है दोस्तों, तो जवाब देने के बाद जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पर और हमें डीएम करें, जिससे कि हम आपकी जीती हुई राशि आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप इतने क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।